तो भाई अपने सब्सक्राइबर हैं और मौसम देखो यार, क्या गजब का मौसम। अब प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गई। देख रहे हो बैक फायर कैसे मार रहा है, बैक फायर देखो। बहुत घटिया प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। अभी बता दे रहा हूँ मैं आज का ब्लॉग किस पे होने वाला है। तो सबसे पहले भाई गुड मॉर्निंग, तो कैसे हो आप सब, उप करता हूँ सब अच्छे हो गए गाइज, तो और अच्छे भी होने चाहिए। तो भाई अभी अपना मॉन्स्टर बीस्ट खड़ा हुआ है भाई, तो और देख सकते हरियाली और मौसम देखो यार, क्या गजब का मौसम है। वैसे आज मौसम चेंज हो रहा था थोड़ा, बट फिर भी ऐसे धूप निकल आई और बादल बादल से हो रहे थे, बाकी आसमान भाई क्या लग रहा है, बहुत अच्छा। और हम बात करने वाले हैं आज ब्लॉग में इसकी प्रॉब्लम्स की, जो कि एक और मतलब पिछले ब्लॉग में भी इसका जिक्र किया था कि बहुत घटिया प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है इस वाल मतलब इस हंटर में, तो भाई वो पता नहीं क्यों है। तो सबसे पहले चलेंगे एक हाइपर राइडिंग करके आएंगे। हाइपर राइडिंग क्यों बोल रहा हूँ, आज थोड़ा इसको भगाने का मन है, क्योंकि भाई मॉन्स्टर अपना भाई घूर घूर के लग रहा है, तो मुझे भगाते नहीं हो भाई, तो इसलिए आज इसको भगाएँगे और दौड़ाएँगे, देखते हैं कितना दौड़ सकते हैं आज। तो चलिए आज यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये जगह मेरी फेवरेट है भाई, क्योंकि हम लोग शाम को यहीं आके बैठते हैं, कैमरे के पीछे वाली लाइफ में जीते हैं थोड़ी बहुत। तो चलिए फटाफट चलते हैं, चेक कर यार, देख रहे हो बैक फायर कैसे मार रहा है, बैक फायर देखो ये भाई। तो गाइस ब्लॉग स्टार्ट करते हैं आज वाला। मैं ब्लॉग हरदम ज़्यादातर हरियाली से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि नेचर वाली फीलिंग बहुत अच्छी होती है भाई। ओहो तो ये चेक करो गाइस, अब देखो मेरी राइडिंग। सच में यार आज बहुत दिन बाद फिर से ब्लॉग कर रहा हूँ। तो भाई एक हाइपर राइड करते हैं, उसके बाद फिर इसकी प्रॉब्लम्स को आपको दिखाते हैं, क्योंकि आपको थोड़ी हाइपर राइड पसंद है, मुझे भी पता है भाई। मुझे भी पसंद है, लेकिन 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 इधर थोड़ा मज़ा कम आता है। ओहो अब चेक करो गाइस, 100 सच में यार, ये वाले मोड़ बाकी अच्छे हैं। तो भाई अब बात करते हैं जो इसकी बुरी चीज़ है यार। सच बताऊँ ना, तो पहले मैं दूर इसलिए आया कि इधर थोड़ा अच्छा है, सुनसान है, बाकी नॉइस वगैरह तो आएंगे नहीं, बट फिर भी नॉइस नहीं आनी चाहिए। और ये अपना मॉन्स्टर का कुछ लुक ऐसा, और भाई पीछे बादल में और इसमें देखो क्या गजब का कॉम्बिनेशन बन रहा है यार। और भाई इस पे यार सच बताऊँ ना, तो जब से मैंने बाइक ली है, अब मतलब कि एक साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट अब प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि इसका दूसरा साल लग चुका है। अभी जस्ट मैंने रिसेंटली अक्टूबर में ही बाइक ली थी, पिछले अक्टूबर में 2022 में, तो कि अभी एक साल पूरे हो गए हैं और दूसरा साल लग चुका है भाई। तो अब इसमें प्रॉब्लम्स आनी चालू हो गई, जो हीटिंग प्रॉब्लम थी तो स्टार्टिंग में ही थी, स्टार्टिंग में ही थी भाई, बट मैंने सोचा था एक साल बाद हो सकता है दूसरी तीसरी सर्विस के बाद चली जाएगी, बट नहीं गई। तो अभी इसका जो प्रॉब्लम रिसेंटली अभी क्रिएट हुआ है इसका प्रॉब्लम, तो भाई वो है इसका स्टार्टिंग सिस्टम। भाई मैंने स्टार्ट करता हूँ ऐसे, जब स्टार्ट करूँगा अभी ठीक है, इग्निशन ऑन किया, स्टार्ट करूँगा
ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड 4 सेकंड स्टार्ट रहेगी, अपने आप बंद हो जाएगी बाद, उसके बाद फिर स्टार्ट करूँगा, फिर अपने आप बंद हो जाएगी 1-2 सेकंड बाद। तो ऐसे ऐसे करके मतलब कि 5 मिनट तक ऐसा ही रहती है भाई। अब रीज़न क्या है भाई उतना मुझे पता नहीं है, बट फिर भी क्लिप में ही दिखा रहा हूँ वीडियो, एक बार आप वीडियो चेक करो। तो भाई अगर आपने वीडियो देख लिया हो तो वीडियो का क्लिप देख लिया हो तो कमेंट करना क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। जहाँ तक भाई मुझे लगता है क्योंकि कोई सेंसर या किसी हाँ मतलब सेंसर में ही कचरा वगैरह आ गया होगा। अगर कोई हंटर वाले बाइक और भी हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं कि उनके बाइक में प्रॉब्लम्स है या नहीं है, अगर आई है तो सॉल्व कैसे होगी। तो भाई अपने सब्सक्राइबर हैं और भाई कई दिनों से मिलने के लिए बोल रहे, मन्नू भाई के गांव के ही हैं, तो मैंने अक्सर ब्लॉग में देखा हुआ है भाई मिलते हैं, लेकिन मैं इनको पहचान नहीं पाता हूँ, इस कारण थोड़े स्किप हो जाते हैं वीडियो में। बाकी एक नंबर का भाई बंदा है। 400 तो भाई चेक करो ये 400 का, कितने 400 है, 400 का 400 इंडिकेटर है, पता नहीं कौन सी कंपनी का है, ये पता नहीं है भाई। तो भाई अब ब्लॉग के ये एंड करते हैं, बाकी ब्लॉग कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करना, और भाई की अभी रेडी हो रही है एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।